हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम एशलन फॉर्म पे दो क्वेश्चन एक साथ करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको दो क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स, यहाँ पे दिख रही है फोर्थ ऑर्डर की मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद रैंक निकालनी है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट इनटू एशलन फॉर्म। देखिए, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि एशलन फॉर्म से ही रैंक निकालनी है, एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन में कि एशलन फॉर्म से रैंक निकालनी है तो एशलन फॉर्म से ही निकालिएगा। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर क्वेश्चन में नहीं आता लिखा हुआ कि एशलन फॉर्म से निकालनी है तो नॉर्मल फॉर्म से ही निकालिएगा, और ज्यादा चांसेस तो ये नॉर्मल फॉर्म पे ही रैंक का क्वेश्चन आता है। नॉर्मल फॉर्म पे ही रैंक निकालने के लिए कहेगा कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैट्रिक्स की रैंक निकालिए, एशलन फॉर्म पे नहीं बनता क्वेश्चन। अगर वो साफ साफ लिख करके देता है क्वेश्चन में, पेपर में अगर साफ साफ लिखा हुआ आता है कि एशलन फॉर्म से ही रैंक निकालिए तो ही एशलन फॉर्म से निकालनी है, वरना नहीं आता लिखा हुआ तो हमें नॉर्मल फॉर्म से ही निकालनी है, और अगर लिखा हुआ आता है नॉर्मल फॉर्म से निकालिए तो नॉर्मल फॉर्म से निकालनी ही है। तो नॉर्मल फॉर्म मैंने पहले भी बताया था, तभी समझ में आएगी जब हम एशलन फॉर्म को पढ़ लें। तो यहाँ पे दो प्रश्न लिए हैं मैंने, एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एक फोर्थ ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आपको लग रहा होगा बोर्ड तो इतना छोटा सा है, तो इतनी बड़ी बड़ी मैट्रिक्स को यहाँ पे मैं एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे रैंक निकालूंगा। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही प्रश्न दो या तीन तीन स्टेप के हैं, दो से तीन स्टेप में दोनों एशलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी मैट्रिक्स, और एशलन फॉर्म में कन्वर्ट होते ही हम इनकी मैट्रिक्स की रैंक निकाल लेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि भाई हम इतने सारे क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं। एशलन फॉर्म पे दो क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, अब दो और ये हैं, अभी और भी करवाऊंगा जाहिर सी बातें। देखिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन तभी समझ में आएगी जब क्वेश्चन अलग अलग होंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को एशलन फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज में ले रहे हैं। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, कैसे लगानी है, वो तभी आप सीख पाओगे जब क्वेश्चन अलग अलग होंगे, जाहिर सी बात है। तो अलग अलग क्वेश्चन में इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन में इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको पूरी चीज क्लियर हो जाए। तो आइए यहाँ बात करते हैं हम एशलन फॉर्म की। तो देखिए, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, यहीं पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ। सबसे पहले ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है, उसके बाद ये वाला एलिमेंट, यानी कि पहले हम 2 को 0 बनाएंगे और 3 को, इन दोनों एलिमेंट्स को हम एक साथ 0 बना रहे हैं। तो R2 पे मैं सेकेंड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, R2 - 2R1। R2 तो एज इट इज रहेगा, -2R1 करूंगा, यानी कि फर्स्ट रो में इस वाले एलिमेंट को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा तो ये वाला एलिमेंट जो है माइनस बन जाएगा, ठीक है, सॉरी 0 बन जाएगा। ऐसे ही R3 पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा R3 - 3R1, यानी कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो ये वाला जो एलिमेंट है 0 बन जाएगा। अब बात आ रही है रो ट्रांसफॉर्मेशन की, इनको हम 0 बना रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बाकी के एलिमेंट्स पे भी अप्लाई होगी। भाई ये जो R2 पे जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है तो ये R2 पे लगाई है, यानी कि सेकंड रो पे, तो ये वाली इस ट्रांसफॉर्मेशन पूरी सेकंड रो पे इफेक्ट डालेगी। ये R3 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है R3 - 3R1, तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरी रो पर अप्लाई होगी, ठीक है ना। मैंने तो इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर भी तो अप्लाई होगी, यहां पर भी अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहाँ लगा रहा हूँ, थर्ड रो पे, तो पूरी थर्ड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी। पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किसको देख करके लगाई है, इस वाले एलिमेंट को, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि ये वाला एलिमेंट मैं सबसे पहले 0 बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एशलन फॉर्म क्या होती है वो आप पीछे के लेक्चर्स में देखिए। देखिए, ये चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर लेक्चर में, कि मेरे आप लेक्चर अगर बीच में से देख रहे हैं तो नहीं आएंगे समझ में, क्लियर क्लियर बात है।
आप स्टार्टिंग से देखिए मेरे वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को, एशलन फॉर्म का जहां से लेक्चर स्टार्ट हुआ है पहले उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। क्लियर सी बात है, आप डायरेक्ट देखेंगे तो नहीं आएगा समझ में। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ यहाँ पर। मान लिया कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 0 4 5 0 0 6 0 0 0। तो एशलन फॉर्म क्या कहती है कि हमें भाई जीरो कैसे होने चाहिए, कि ऊपर वाली रो में कम जीरो होने चाहिए और नीचे वाली रो में ज्यादा जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है। दूसरी बात, एशलन फॉर्म ने क्या कहा था कि अगर किसी रो में सारे एलिमेंट जीरो है तो वो सबसे नीचे आएगी। कहाँ? और सबसे नीचे भी का मतलब उन सभी रोज के नीचे आएगी जिनमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट उपस्थित हो। तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया एशलन फॉर्म में कन्वर्टेड मैट्रिक्स का। ये कन्वर्टेड मैट्रिक्स है एशलन फॉर्म में, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये एक मैंने अलग से एग्जाम्पल ले लिया, एशलन फॉर्म होती क्या है। तो चलिए इसको एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाई है, इसलिए फर्स्ट रो एज इट इज लिख दी मैंने, 1 2 3 एज इट इज लिख दी। अब सेकंड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का तरीका होता है, सेकंड रो पे लगा रहा हूँ तो यहाँ R2 लिखूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए एरो का साइन यूज में लेते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा रहे हैं, R2 - 2R1। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है मैंने, किस पे लगाई है, R2 पे। एरो का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कि हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। तो R2 पे लगाई R2 - 2R1, तो R2 - 2R1 करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 0। R2 - 2R1, देखिए आपको क्वेश्चन गलत ना हो जाए या एलिमेंट गलत ना आ जाए तो आप लिख करके आराम से कर लीजिए। भाई ट्रांसफॉर्मेशन है मेरी R2, R2 का की वैल्यू क्या है, 3। -2R1 करूंगा तो -2R1 का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, -1, तो यहाँ पे आ गया -1। अब R2 की वैल्यू है 1, -2R1 करूंगा तो 2R1 का मतलब -2 * 6, तो -5 आ जाएगा। ये आ गई R2 रो। अब मैं R3 की बात कर रहा हूँ, R3 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई R3 - 3R1। तो देखिए ये R2 पे भी ट्रांसफॉर्मेशन R1 के रेस्पेक्ट में है, R3 पे भी ट्रांसफॉर्मेशन R1 के रेस्पेक्ट में है। क्यों है R1 के रेस्पेक्ट में? R3 पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं मैं, वो R2 के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं लगाई, क्योंकि R2 पे तो मैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगा चुका हूं और R2 रो चेंज हो गई, इसलिए मैं R3 पे R2 रो के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकता। देखिए R3 में ये जो वाला जो एलिमेंट है इसको जीरो बनाने के लिए ही तो मैंने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, तो इसकी जगह मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता था। आराम से समझिएगा, मैं यहाँ पे R3 पे एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता था। भाई मैं क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। बार बार वही बात कहूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लेते हैं हमें, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। देखिए R3 पे इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता था। क्या? इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2R3, माइनस इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3R2। तो 2R3 का मतलब हो जाएगा 6, -3R2 का मतलब हो जाएगा 6, तो 6 - 6 भी तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, पर एक बात बताइए, यहाँ 0 तो आ गया, पर जब मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे ये वाला एलिमेंट तो 0 आ रहा है मेरा, यानी कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन जब लगा दी मैंने और ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद मेरा R2 का ये जो एलिमेंट था ये 2 से चेंज होकर के 0 आ रहा है, तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं लगाऊंगा तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो ये 0 है एलिमेंट, ठीक है ना, इसलिए मैं R2 के रेस्पेक्ट में नहीं लगा सकता। आप अगर आपको एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, दो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो एक ही रो के रेस्पेक्ट में लगेगी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाता तो R2 रो तो देखिए चेंज हो चुकी है, जब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाई मैंने, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ये आ रही है मेरी, ठीक है ना, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद R2 रो जो है सेकेंड रो है उसके एलिमेंट आ रहे हैं 0 - 1 एंड -5। तो देखिए यहाँ 0 आने के चांसेस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मैं जब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो क्या होगा, 2R3 कहने का मतलब 0 है ना, -3R2 का मतलब -9, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 2R3 का मतलब तो हो गया 6,
माइनस थ्री आर टू, तो आर टू का अब ये वाला एलिमेंट है तो यहाँ जीरो आएगा, कहने का मतलब यहाँ एलिमेंट क्या आ जाएगा सिक्स, और मुझे चाहिए क्या जीरो, तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, ऊपर जो लिखी है मैंने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन सही है, क्योंकि यहाँ पे आर टू रो तो चेंज हो चुकी है, यहाँ पे टू एलिमेंट नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैं ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगा चुका हूँ, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, अब यहाँ जीरो एलिमेंट आएगा, टू नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मैं आर थ्री पे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो यहाँ तो क्या आ जाएगा जीरो, जब यहाँ जीरो आ गया, ठीक है, अब आर थ्री पे वापस से लगाई हमने आर थ्री माइनस थ्री आर वन, तो माइनस सिक्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस फाइव, वापस से आर थ्री यानी कि टू माइनस थ्री आर वन का मतलब माइनस नाइन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस सेवन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर थ्री माइनस थ्री, तीन चार नौ, नौ में से दो गए तो सात, ठीक है, ये आ गया। अब एशलन फॉर्म ये कहती है अगर ऊपर एक जीरो है तो नीचे दो जीरो आने चाहिए, यानी जीरो ज्यादा होने चाहिए, जीरो की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए नेक्स्ट रो में, तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो में ये वाला जो एलिमेंट है इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाने के लिए भी बच्चे दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, एक तो सही होती है और एक गलत होती है, पहले सही वाले की बात करते हैं, आर थ्री रो पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ आर थ्री माइनस फाइव आर टू, देखिए आर थ्री का एलिमेंट आ जाएगा माइनस फाइव, और माइनस फाइव आर टू करूंगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस फाइव आ जाएगा, तो प्लस का फाइव और माइनस का फाइव क्या आ जाएगा यहाँ पे एलिमेंट जीरो आ जाएगा, मुझे जीरो ही चाहिए, तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन सही है। अब गलत वाली ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, बच्चे गलत भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आर थ्री पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इसको टू आर थ्री, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फाइव से माइनस फाइव आर वन, देखिए यहाँ पे टू आर थ्री की वैल्यू आ जाएगी माइनस, यहाँ प्लस कर देता हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ टू आर थ्री प्लस फाइव आर वन, तो टू आर थ्री की वैल्यू माइनस टेन आ जाएगी, प्लस फाइव आर वन की वैल्यू प्लस टेन आ जाएगी, तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे भी हमारा क्या आ रहा है, टेन माइनस टेन बराबर जीरो आ रहा है, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है यहाँ जीरो आ जाएगा, बट ये वाली जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो ये वाला एलिमेंट देखो जीरो से चेंज होकर के नॉन जीरो आ जाएगा, टू आर थ्री का मतलब जीरो रहेगा प्लस फाइव आर वन का मतलब फाइव आ जाएगा, बराबर वैल्यू फाइव आ जाएगी, तो यहाँ ये वाला एलिमेंट जीरो से चेंज होकर के फाइव आ जाएगा, और मुझे ऐसा करना नहीं है, यहाँ पे जीरो की जगह जीरो ही रहना चाहिए, इसलिए मेरी ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन सही है, जब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो यहाँ जीरो का जीरो ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान से देखिए, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन आर टू सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में, और सेकेंड रो में ये वाला एलिमेंट यहाँ पर जीरो है, इसलिए इस वाले एलिमेंट पर ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट जीरो का जीरो ही रहेगा जब मैं इस वाले एलिमेंट को जीरो बना रहा हूं, तो इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए दो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन सही है, क्यों सही है, क्योंकि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं लगाऊंगा तो ये आर टू के रो के रेस्पेक्ट में, आर टू रो में यहाँ पे जीरो एलिमेंट है, तो जब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो इस वाले एलिमेंट पे कुल मिलाकर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो का है जीरो ही रहेगा, इसलिए ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, सॉरी सही है, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन गलत इसलिए है क्योंकि ये आर वन के रेस्पेक्ट में जब लगाएंगे तो यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये इस वाले एलिमेंट पर इफेक्ट डालेगा, और ये जीरो से जीरो एलिमेंट से चेंज हो करके यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट बन जाएगा, इसलिए ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, तो इसको साफ कर देते हैं, क्यों गलत है क्यों सही है वो अभी अभी मैंने बता दिया यहाँ पे लिख करके, तो चलिए ये सही वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू वन टू थ्री जीरो माइनस वन माइनस फाइव, दो रो मैंने क्यों लिख लिया एज इट इज, जाहिर सी बात है थर्ड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, थर्ड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा आर थ्री माइनस फाइव आर टू, देखिए आर थ्री जीरो माइनस फाइव इंटू जीरो जीरो ही रहेगा, तो यहाँ जीरो ही आएगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन सही है, यहाँ आर थ्री माइनस फाइव आर टू करूंगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा, आर थ्री यानी कि माइनस सेवन माइनस फाइव आर टू यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पांच पांच पच्चीस, और पच्चीस में से सात गए तो कितने बचेंगे, पच्चीस में से सात गए तो भाई पंद्रह में से
पांच और तीन आठ, 18। तो यहाँ बचे प्लस के 18। तो देखिए ये एशलन फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुकी है। कैसे भाई? यहाँ ऊपर एक जीरो है, नीचे दो जीरो है, और अगर किसी रो में सारे एलिमेंट जीरो आते तो वो सबसे नीचे आती, पर यहाँ ऐसी कोई रो नहीं है। ठीक है, ये एशलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इम्प्लाइज दैट रैंक जो आएगी, रैंक ऑफ ए बराबर कितनी आएगी? तीन, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो कितनी है? तीन। टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो का मतलब जिनमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट उपस्थित हो। तो इस वाली रो में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो है, तो ये भी नॉन जीरो रो कहलाएगी। तो टोटल कितनी रो हो गई? एक, दो, तीन। तीन नॉन जीरो रो है, तो कुल मिला करके यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स की रैंक क्या आ गई? तीन। तो ये हो गया एक सवाल। अब इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैं इसलिए यहाँ पे डीप में समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा मुझे भी बार बार थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि बच्चे भी मुझसे क्लास में पूछ रहे हैं कि सर ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लगाई, ये भी तो हो सकती है। इसलिए मैं दोनों चीजें लेकर के चल रहा हूँ, सही ट्रांसफॉर्मेशन भी गलत ट्रांसफॉर्मेशन भी। आगे जाकर के जब हम कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, एशलन फॉर्म वहां पर भी काम में आएगी। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 1 3 4 2 2 6 8 4 5 7 3 2 3 9 12 6। इसको एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो टू एलिमेंट है इसको जीरो बनाना है। तो देखिए मैं सेकंड रो पे, सेकंड रो का एलिमेंट है ना ये, तो सेकंड रो पे पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा आर टू पे, आर टू माइनस टू आर वन। ठीक है, आर टू पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, आर टू माइनस टू आर वन करूंगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ऐसे ही आर थ्री पे लगाऊंगा आर थ्री माइनस फाइव आर वन। देखो एक ही रो के रेस्पेक्ट में लगा रहा हूं। ऐसे ही आर फोर, ये फोर्थ रो है, इसमें ये वाला एलिमेंट जीरो बनाने के लिए क्या करूंगा? आर फोर माइनस थ्री आर वन। तो आर फोर पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, आर फोर माइनस थ्री आर वन। तो चलिए देखिए यहाँ पे तीनों ट्रांसफॉर्मेशन आर वन रो के रेस्पेक्ट में ही लगा रहा हूं। तो चलिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 4 2, आर टू पे लगाएंगे आर टू माइनस टू आर वन, आर टू माइनस टू आर वन करूंगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा। आर टू माइनस टू आर वन, देखिए आर टू की वैल्यू 6 है, माइनस टू आर वन का मतलब माइनस का दो तिया छह, दो तिया छह आएगा। ठीक है, 6 माइनस 6 बराबर जीरो हो जाएगा। आर टू, आर टू की वैल्यू है 8, ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, आर टू माइनस टू आर वन, आर टू की वैल्यू 8, माइनस टू आर वन का मतलब 8, तो 8 माइनस 8 आ जाएगा जीरो, 8 माइनस 8 जीरो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। वापस से आर टू, आर टू का मतलब 4, माइनस टू आर वन का मतलब 2 गुना 4, तो 4 माइनस 4 बराबर जीरो। तो देखिए एशलन फॉर्म ये कहती है कि जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो ना, वो उन सभी रोज के नीचे आएगी, उन सभी पंक्तियों के नीचे आएगी जिनमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट उपस्थित हो। तो आगे की थर्ड रो और फोर्थ रो में देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, आर थ्री पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा आर थ्री माइनस, देखो इसको सबसे नीचे बाद में लेके आऊंगा, पहले ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन तो लगा लू, मुझे पता थोड़ी ना था यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो आएंगे, तो पहले ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है इन दोनों को भी अप्लाई कर दें अपन। तो आर थ्री पे लगा रहे हैं आर थ्री माइनस फाइव आर वन, तो इनको साफ कर देता हूं मैं। आर थ्री माइनस फाइव आर वन करूंगा, आर थ्री माइनस फाइव वन आर वन, तो इसको जीरो बनाने के लिए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी, तो ये तो जीरो ही लिख दो आप बंद करके। फिर आर थ्री, आर थ्री की वैल्यू 7 माइनस 5, तो 5 3 15, 15 में से 7 गए तो 5 और 3 8, माइनस के 8 आ जाएंगे। आर थ्री, आर थ्री का मतलब 3 माइनस 5 R1, तो 5 चौक 20, 20 में से 3 गए तो माइनस के 17। आगे बात करते हैं आर थ्री, आर थ्री की वैल्यू 2 माइनस 5 R1, 5 गुना 10, तो माइनस के 8 आ जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं अब अपन फोर्थ रो पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, आर फोर पर लगाई आर फोर माइनस 3 R1, तो ये तो जीरो ही जाएगा। आर फोर की वैल्यू 9 माइनस 3,
9, 9 - 9 बराबर 0, R4 की वैल्यू 12, -3 देखिए -3 R1 करूंगा तो 4 3 12 ही आएगा, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे भी। R4 की वैल्यू 6, -3 R1 का मतलब 6, तो यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब ये साफ कर देता हूं भाई। एशलन फॉर्म ये कहती है कि ऊपर वाली रो में, ऊपर वाली पंक्ति में 0 कम होने चाहिए, नीचे वाली पंक्ति में ज्यादा होने चाहिए। तो देखिए यहाँ केवल इस पंक्ति में, थर्ड वाली पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में, थर्ड रो में एक ही 0 है और यहाँ 4 0 है। ये वाली रो तो सबसे नीचे है ही। एशलन फॉर्म ये कहती है कि जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो वो सबसे नीचे आएगी। किसके नीचे आएगी? सबसे नीचे किसके नीचे आएगी? उन सभी पंक्तियों के नीचे आएगी जिनमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट हो। तो ये तो है ही सबसे नीचे। अब इसको भी नीचे आना चाहिए कि भाई यहां पर भी तो 4 0 है, तो ये वाली रो कौन सी है? रो नंबर R2। और ये वाली रो कौन सी है? रो नंबर R3। इनको हम क्या कर देंगे? इंटरचेंज। और इंटरचेंज करने का साइन ये होता है जो मैंने लगाया है। तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या आएगी देखिए, 1 3 4 2, 0 -8 -17 -8। देखो R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो R3 की जगह क्या आ जाएगा? R2। और R2 की जगह क्या आ जाएगा? R3। तो R3 की जगह, R2 की जगह मैंने क्या लिख दिया? R3। और R3 की जगह क्या लिखूंगा? R2 0 0 0 0, ये लिख दिया R2, ये रहा। अब R4 जो है वो एज इट इज लिख दूंगा 0 0 0 0। तो देखिए ऊपर 1 0 है, नीचे 4 0 है, इसमें भी 4 0 है, तो यहाँ पर 4 4 0 है, इक्वल 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एलिमेंट 0 है, सबसे नीचे आएगी वो रो। ऊपर कम 0 होने चाहिए, कम 0 है, एशलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 1 और 2। इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ ए कितनी आ गई हमारी? 2। क्यों आ गई 2? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? नॉन जीरो पंक्तियां, नॉन जीरो पंक्ति किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट हो। तो इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट है 3, इसमें चारों नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, बाकी ये दोनों रो क्या है? जीरो रो है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट 0 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 2। इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो गई? 2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 3। इसलिए मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई? 3। यहाँ पे 3 नॉन जीरो रो क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो इस वाली मैट्रिक्स में यहाँ पर भी एक नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है। अब यही इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूं कि नॉन जीरो रो ये में दिक्कत अगर आ रही हो, तो देखिए अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर यहाँ 0 डाल देता हूं, तो इस मैट्रिक्स की रैंक जो होगी वो क्या आ जाएगी? 2, क्योंकि यहाँ नॉन जीरो रो कितनी है? अब 2। अगर यहाँ पे मैं, यहाँ पे ये 1 0 हटा करके यहाँ मैं अगर लिख देता हूँ 1, या 1 की जगह कुछ भी लिख दो आपकी मर्जी, 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो गई? अब 3। तो मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? 3। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पे ये देखिए 0, सारे एलिमेंट 0 ऊपर वाली रो में ही बन गए, तो इसको एशलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया अपन ने देख लिया। सिंपल क्वेश्चन था, लग बढ़ा रहा था, फोर्थ ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो घबराने वाली ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो, आपको लगता है कि यहाँ कुछ हटके कुछ मिल रहा है हमें, तो मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक बेल का आइकन होता है, बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करने से ये होगा कि मैं जैसे ही आगे अपने वीडियोस पोस्ट करूंगा और भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।